संख्याओं से खेल के अंतर्गत कक्षा 8 से संध्या आज हमारे सामने एक गणित का जादू बताएगी, है ना। अब वो जादू है क्या वो हम संध्या से जानते हैं। सबसे पहले हम 1 से लेकर 9 तक की संख्या लिखेंगे, उसमें 8 नंबर है। 1,23,45,679। हाँ, इसका कहने का मतलब ये है कि हम पहले 1 से लेकर 9 तक संख्या लिखी, इसमें 8 नहीं लिखना, क्रम से संख्या लिखनी है ना। ये संख्या हो गई 1,23,45,679, ये हमने संख्या लिखी। अब क्या करना है, संख्या में 9 के गुणज से गुणा करना। हाँ, यानी इस संख्या में 9 के गुणज, जैसे 9, 18, 27, 36, 45 या 108, इस संख्या से इसमें हमें गुणा करना है। जैसे मान लो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, 72 ले लिया, हम यहाँ 72 से गुणा कर रहे हैं। अब क्या होगा, जो गुणा आएगा उसे मैं 10 सेकंड में करूंगा, यानी इसमें जो गुणनफल आएगा वो इसको 10 सेकंड में लिख देगी। लिखो, ये सभी अंकों में क्या 8 आ गया है ना, 9 बार 8 आ गया, ये कैसे आ गया, हमने 2 गुणा 9 में किया, जो जो इकाई की संख्या आई उसमें हमने इसे हमने रख दिया। हाँ, इसका मतलब है कि इसने 2 का 9 में गुणा 18 आया ना, इकाई का अंक 8 है, तो इसने 9 बार 8 लिख दिया है ना। चलो मैं इसको साफ राइटिंग लिख देता हूं, तो हमारा जो गुणनफल आएगा वो ये आएगा, ठीक है। यानी सभी अंकों में 8 बार बार आ रहा है, 2 को गुणा 9 में किया, 2 × 9 = 18। आप लोग इसको चेक भी कर सकते हैं, गुणनफल हमारा इतना ही आएगा। मान लो हम 72 की जगह हमने 36 ले लिया, ये भी 9 का गुणज है, 9 × 4 = 36, तो अब गुणनफल कितना आएगा, 6 में 9 का 6 × 9 = 54, तो इकाई के अंक में 4 आएगा, तो यहां पर हम 9 बार 4 लिख देंगे, तो ये हमारा गुणनफल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लो यदि 36 की जगह हमने यहां पे 108 लिख दिया, तो गुणनफल फिर वही आएगा कि बदल जाएगा, बदल जाएगा। अब कितना आएगा, अब ये कैसे आ गया, 8 गुणा 9 में किया 72 आया, 72 इकाई में 2 अंक लिख दिया, फिर 2 अंक लिखा, उसमें 1 जोड़ दिया, फिर 3 आ गया, फिर 3 बार 8 लिख देंगे, और 3 को 8 बार लिख दिया ना, फिर 1 लिख दिया। चलो, तो गुणा इतना ही आ रहा है ना, करके देखो आप लोग, चलो ठीक है, यानी कि ये आएगा। एक बार मैं दूसरी संख्या में करके देखता हूँ, जैसे हमने 108 की जगह हमने 117 भी 9 का गुणज है ना, तो 7 में 9 का गुणज 9 × 7 = 63, इकाई का अंक आएगा 3, तो वो हमने लिख लिया, 3 में 1 जोड़ा 4 आया, इस 4 को 8 बार लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और फिर 1 लिख देंगे, तो ये हमारा इसका गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। कक्षा 8 से संध्या ने आज हमको गणित की बहुत अच्छी ट्रिक बताई, एक बार जोरदार ताली बजाओ संध्या की।